नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मिलावट की जानकारी सेकंडों में, दिहाड़ी मजदूर से यूट्यूब स्टार तक, बच्चों के लिए स्वस्थ नाश्ता, भारतीय लोक संगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नारियल की खेती में शून्य अपशिष्ट। एक ऐसा उपकरण जो 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाता है, जानते हैं क्या है यह आविष्कार। आईआईटी मद्रास के सहयोगी प्रोफेसर डॉक्टर पल्लव सिन्हा महापात्रा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने एक उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंडों के भीतर दूध में मिलावट करने वाले एजेंटों का पता लगा सकता है। इस दिलचस्प प्रयास में डॉक्टर महापात्रा के साथ सहयोग कर रहे हैं शोध विद्वान सुभाषी पटारी और प्रियांकन दत्त। शोधकर्ताओं का दावा है कि इस त्रिआयामी कागज आधारित उपकरण में दूध से मिलावट करने वाले एजेंटों के रूप में यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक सहित अन्य पदार्थों का पता लगाने की क्षमता है। कोई भी इस परीक्षा को घर पर कर सकता है। दूध में मिलावट करने वाले तत्वों की जांच के लिए सिर्फ 1 मिलीलीटर दूध की जरूरत होती है। इसके अलावा इस संस्थान द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दूध की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए महंगी और समय लेने वाली पारंपरिक प्रयोगशाला आधारित विधियों के विपरीत यह नई तकनीक सस्ती है और इसका उपयोग अन्य तरल पदार्थों का परीक्षण करने के लिए भी किया जा सकता है। उड़ीसा का मजदूर इसाक मुंडा यूट्यूब स्टार बन गया है, कैसे आइए जानते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य के एक दिहाड़ी मजदूर ने कोविड लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के बाद यूट्यूब की ओर रुख किया और अब वह एक सोशल मीडिया स्टार बन गए हैं। मार्च 2020 में जब इसाक मुंडा ने अपना पहला यूट्यूब वीडियो अपलोड किया तो वो पूरी तरह से हताश थे। कोविड के कारण लगे लॉकडाउन ने उनके रोजगार को रोक दिया था। उनके बच्चे YouTube पर एक कार्टून फिल्म देख रहे थे, तभी मुंडा ने एक विज्ञापन सुना कि कैसे लोग वीडियो अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। इसलिए उन्होंने YouTube वीडियो की जानकारी खोजी और साधारण भोजन वीडियो के साथ शुरुआत की। जल्द ही उनके पास अपना पहला वायरल वीडियो था जिसमें वह उड़ीसा से लोकप्रिय एक पकवान दिखाते हैं। 2 साल बाद मुंडा के चैनल इसाक मुंडा ईटिंग के 8 लाख से अधिक दर्शक हैं और उनके वीडियो को 1 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। पिछले साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मासिक रेडियो शो में उनकी प्रशंसा की थी। दादी माँ के व्यंजनों से जन्मा एक सफल खाद्य उद्यम, सुनते हैं पूरी कहानी। श्रेय अरोरा और उर्वशी श्रीवास्तव ने अपनी दादी माँ के व्यंजनों के साथ ट्रिक और ट्रीट नामक एक स्वस्थ स्नैक्स व्यवसाय शुरू किया। अपने पैतृक घर की यात्रा के दौरान श्रेय को लखनऊ में उनकी नानी द्वारा बनाए पारंपरिक नाश्तों का पता चला। खट्टे मीठे आम के पापड़ और इमली की कैंडी से लेकर चना और सत्तू से बने मंची तक, लखनऊ यात्रा श्रेय के लिए फायदेमंद साबित हुई, जो उस समय तक एक फूड स्टार्टअप की कल्पना कर रहे थे। श्रेय ने अपनी पत्नी के साथ ट्रिक और ट्रीट फूड्स की स्थापना की। अपनी टैगलाइन नो ट्रिक्स ओनली टेस्टी ट्रीट्स के साथ कंपनी का उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों को स्वस्थ स्नैकिंग विकल्प प्रदान करना है। ये उत्पाद कंपनी के संकेत स्थल, सोशल मीडिया पेज, अमेजोन या इंडिया मार्ट से खरीदे जा सकते हैं, जबकि इस उद्यम ने हाल ही में 6 नए उत्पादों को शामिल कर लिया है। पद्मश्री नादोजा मुन्नी वेंकटप्पा की प्रेरक जीवन कहानी, आइए देखते हैं। चिक्का बल्लापुर जिले के पिंडा पापनहल्ली गांव में रहने वाले मुन्नी वेंकटप्पा लोकवाद्य यंत्र थमाटे के संरक्षण और इसके प्रचार के लिए जाने जाते हैं। हाथ से बजाए जाने वाले ड्रम पर लोक धुन बजाने वाले 77 वर्षीय मुन्नी वेंकटप्पा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। थमाटे को अपना जीवन बनाने वाले मुन्नी वेंकटप्पा पिछले 60 साल से इस कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब वे 17 वर्ष के थे तब उन्होंने इस वाद्य यंत्र को बजाना सीखा। वे इस विद्या को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। अब तक वे हजारों युवाओं को इसका प्रशिक्षण दे चुके हैं।
गरीब वंचित परिवार से संबंध रखने वाले मुन्नी वेंकटप्पा चौथी कक्षा तक पढ़े हैं। एक दुर्घटना में उनके पिता पापन्ना का निधन हो गया। इसके बाद गांव में थमाटे बजाने वाला कोई नहीं था। तब गांव के लोगों ने मुनि वेंकटप्पा से थमाटे बजाना शुरू करने का आग्रह किया। इसके बाद उन्होंने इसे बजाना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने थमाटे पर लोक धुन बजाना सीखा और इसे अपना पेशा बना लिया। फिर उन्होंने 13 लोगों का एक समूह बनाया और मेलों, त्योहारों, समारोहों आदि में थमाटे बजाने लगे। इसे देखकर कन्नड़ संस्कृति विभाग ने राज्य सरकार द्वारा आयोजित त्योहारों, राष्ट्रीय खेल, जिला उत्सवों और मैसूर दशहरा में मुन्नी वेंकटप्पा को थमाटा बजाने के लिए न्योता देना शुरू किया। कर्नाटक ही नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी उनकी विशेष पहचान है। मुन्नी वेंकटप्पा अमेरिका, जापान सहित कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। कला के क्षेत्र में किए गए योगदान के आधार पर उन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया। नारियल के सभी हिस्सों से उत्पाद बनाता है ये इंजीनियर, कमाता है लाखों रुपए। इंजीनियर मधुर कारकुन को उनके कृषि परिवार ने अपनी नौकरी छोड़ तेंजिन लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया। यह स्टार्टअप शून्य अपशिष्ट खेती का उपयोग करके नारियल को कई उत्पादों में बदल देता है, जिससे लाखों का मुनाफा होता है। नारियल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके छिलके से लेकर हर चीज का अपना उपयोग होता है। और बेंगलुरु स्थित इस स्टार्टअप ने प्रति माह 4 लाख रुपए का राजस्व अर्जित करते हुए महिलाओं और किसानों की मदद करने के लिए एक अनोखा तरीका खोज लिया है। 30 वर्षीय मधु कारगुन नारियल का तेल, बर्फी, साबुन, मोमबत्ती, चीनी, चिप्स, क्रॉकरी शेल, कॉयर डिश, स्क्रबर और बहुत कुछ बनाते हैं। खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए उन्होंने कई फसलों के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती नामक खेती का तरीका खोज निकाला है। राजस्थान के पारंपरिक दाल बाटी चूरमा के पीछे एक रोचक इतिहास है, आइए जानते हैं जाते जाते। राजस्थानी व्यंजन दाल बाटी चूरमा किसे पसंद नहीं है। कहा जाता है कि जब राजपूत मेवाड़ पर अपना शासन स्थापित कर रहे थे, तब बाटी उनके पोषण के लिए उनका पसंदीदा भोजन था। वे आटे के टुकड़ों को रेत में दबा देते थे, उन्हें सेकने के लिए छोड़ देते थे और युद्ध के बाद पके हुए टुकड़ों को कुछ दही के साथ खा लेते थे। दूसरा तत्व यह है कि दाल गुप्त साम्राज्य के दौरान विकसित हुई, जब शाही दरबारों में 5 दालों का मिश्रण तैयार किया गया। इसमें मूंग दाल, चना दाल, तूर दाल, मसूर दाल और उड़द दाल के साथ जीरा, लौंग और अन्य मसालों का सुगंधी तड़का शामिल है। मसालेदार पंचमेल दाल और मीठे कुरकुरे चूरमा के साथ भुनी हुई बाटी पूरे राजस्थान में लोकप्रिय रही है और अंततः पूरे भारत में भी। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।